स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पे मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूं। तो पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया है। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए, आज आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये देखिए आप लोग। विच कॉन्टिनेंट इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड? अफ्रीका। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यदि आपने चैप्टर को नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, चैप्टर को जरूर समझ लीजिएगा। सबसे पहला का आंसर होगा अफ्रीका। सेकंड, व्हेन डिड मैन बिकम अ स्किल्ड टूल मेकर? नियोलिथिक एज। द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन वर मेड अप ऑफ स्टोन। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाई मैन वॉज डॉग। डॉग एक ऐसा फर्स्ट एनिमल था जो कि मैन के द्वारा डोमेस्टिकेटेड किया गया था। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला अफ्रीका, सेकेंड नियोलिथिक, थर्ड स्टोन, फोर्थ डॉग। फिर से देखते हैं हम लोग, देख लीजिए आप लोग इसे पूरा। फिफ्थ, द अर्ली मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। जो अर्ली मैन थे ये एक जगह से दूसरी जगह फूड के सर्च में जाते थे। फिल इन द ब्लैंक्स, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज वाज डिस्कवरी ऑफ फायर। पैलियोलिथिक एज में ही जो फायर का डिस्कवरी हुआ था, तो ये पैलियोलिथिक एज का मेन डिस्कवरी था, मेन अचीवमेंट था। सेकेंड, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक मैन हैव बीन फाउंड इन द रिलीजियस ऑफ उज्जैन एंड चंदौली। फोर्थ, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाई मैन। कॉपर जो ये फर्स्ट मेटल था जो कि मैन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। फिफ्थ, नियोलिथिक मैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो हमारे पास हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी। नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर्ड इन द अर्ली मैन। अर्ली मैन के टाइम में क्या क्या हुआ था उसे हम लोगों को सेंटेंस में आपके बुक में दिया हुआ है, उसे हम लोगों को सेंटेंस कब क्या हुआ था उस टाइप में हम लोगों को लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। ही इन्वेंटेड फायर सबसे पहला। ही स्टार्टेड यूजिंग बोन्स एंड हॉर्न्स एज टूल्स। ही मूव्ड टुवर्ड्स वाटर सोर्सेस। ही कवर्ड हिज बॉडी विद द स्किन ऑफ एनिमल्स। He invented the wheel. Sixth, he started weaving his clothes. Seventh, he made pots. Last, metal age started after stone age. Stone age के बाद metal age start होता है। तो यही consequences के साथ, मतलब इसी sequence के साथ आप इसे लिखिएगा। Okay, अब हमारे पास next आता है answer briefly। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। Mention the sources that enable us to understood the history of early man. ये देख लीजिए आप लोग इसका आंसर, मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया है। और यदि चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। A
अब स्टोन एज के 3 फेजेस के बारे में बताना हमें सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड फोर्थ का आधा इस पेज में, आधा नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसी पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है। फोर्थ हमारा हो गया, फिफ्थ चलिए हम लोगों का शॉर्ट आंसर्स हो गया, हम लॉन्ग आंसर्स को देखते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने साइंस पे वीडियोस अपलोड किया हुआ है, साइंस के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। मैथ्स पे वीडियोस अपलोड है, हिंदी पे भी। स्टूडेंट्स यदि आप किसी और टॉपिक का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आधा इधर है, आधा मैं आपको पीछे वाले पेज में दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको स्पिनिंग लिख लेना है, मैंने यहाँ मैं थोड़ा लिखना भूल गया था यहाँ पे। ओके लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ओ सॉरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पैलोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में वो डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैप्टर का वैल्यू बेस्ड चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा, और किसी और चैप्टर का चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर ला दूंगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको इक्वेशन में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देखिए, और किसी और वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।